नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। फ्रांस में अभी इस्लामिक आतंकवाद को लेकर बहस खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो ये बहस लगभग पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर कोई फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाए जाने को लेकर हुई टीचर सैमुअल पैटी की हत्या पर अपनी राय रख रहा है। उसके बाद जिस तरह से फ्रांस के नीस शहर में चर्च में 3 लोगों की गला काट कर हत्या और उसके बाद ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुई आतंकी वारदात से मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है, और इसी लिहाज से अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन अपने देश को सुरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी में सबसे पहले मैक्रोन फ्रांस के बॉर्डर्स पर पहरेदारी को बढ़ा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आतंकी हमलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अपने सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बॉर्डर्स के पास कई जगह सैनिकों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। साथ ही जिन हिस्सों में बिना किसी रोक टोक के आवाजाही होती है वहां भी अब चेकिंग की तैयारी कर ली गई है। गुरुवार को बॉर्डर्स की सुरक्षा बढ़ाने के बारे में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि बॉर्डर कंट्रोल को अब दोगुना किया जाएगा। जिन हिस्सों में अभी 2400 जवान थे वहां अब 4800 के करीब जवान तैनात रहेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के मुताबिक इनका मुख्य फोकस अवैध घुसपैठ को रोकना होगा और साथ ही स्मगलिंग पर लगाम लगाना होगा। स्पेन बॉर्डर के पास मैक्रोन एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कहा था, पिछले कुछ दिन में जो आतंकी हमले हुए हैं उनसे जाहिर होता है कि कोई बाहर से घुसकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यही वजह है कि अब हमें अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना चाहिए। मैक्रोन ने संकेत दिए कि यूरोपियन यूनियन में भी बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों में सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में भी आतंकी हमला हुआ है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से शुरू हुआ विवाद सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाद फ्रांस में कई जगहों पर आतंकी हमले हुए। 29 अक्टूबर को फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमला हुआ, जो कि पिछले कुछ वक्त में फ्रांस में हुआ तीसरा अटैक था। फिर पेरिस में भी हमला हो चुका है। इनमें से कुछ हमलों की जिम्मेदारी तो अलकायदा ने ली, जिसके बाद फ्रांस ने एक जबरदस्त एक्शन लेते हुए अलकायदा के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। कुछ नहीं तो कम से कम 50 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, मैक्रोन ने कार्टून के विरोध में हिंसा को सरासर गलत ठहराया है, जिस पर कई मुस्लिम देशों को मैक्रोन का यह बयान नागवार गुजरा। यहां तक कि भारत ने जब फ्रांस को अपना समर्थन दे दिया, उसके बाद भी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में कांग्रेस के एक विधायक आरिफ मसूद ने फ्रांस के खिलाफ बड़ी रैली निकाली थी। साथ ही तुर्की समेत कई देश तो ऐसे थे जिन्होंने मैक्रोन का विवादित कार्टून बनाकर उसका विरोध किया था, मैक्रोन को राक्षस के रूप में पेश किया था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, एहतियात बरतते हुए मैक्रोन अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ाने की बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं।